दोस्तों, आप केयू की यूनिवर्सिटी से यानी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या स्टडी कर रहे हो तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने अपनी डेट शीट अनाउंस कर दी है। अगर आप यूनिवर्सिटी से बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर कर रहे हो तो आज की स्टूडियो हम बात करें कि आप डेट शीट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने लैपटॉप में या फिर आप अपने मोबाइल में, और आप देख सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम किस डेट को है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, आपको अपने फ़ोन में या फिर लैपटॉप में गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। और गूगल आपको ओपन करने बाद आपको वहां पर टाइप करना है www.kuk.ac.in। आपको इस वेबसाइट पर सर्च करना है अपने गूगल क्रोम में और इसको सर्च कर देना है। आपके सामने जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डेट शीट थ्योरी का। यहाँ पर डेट शीट आपको थ्योरी का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसा आप क्लिक करोगे तो आपके सामने आपकी जो एग्ज़ाम है उसकी डेट शीट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। देन उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम है, अगर आप बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की आप डेट शीट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है जनरल पार्ट 3 और जनरल पार्ट 2, जनरल पार्ट 1 बीए का। तो दोस्तों ये 5 मार्च को यहाँ पर अपडेट हो चुकी थी केयू की वेबसाइट पर। तो आप जोन सी आप क्लास में हो, बीए पार्ट 1 में, सेकंड ईयर में या फिर थर्ड ईयर में, तो आप उस हिसाब से आप अपनी डेट शीट डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए जैसे हम बीए पार्ट यहाँ पर 1 लिखा है दोस्तों, यहाँ पर अगर जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी और आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस होगा, आपको अलाउ कर देना है। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो बीए यहाँ पर लिखा है कि बीए पार्ट बीए यानी कि पार्ट 1, तो यहाँ पर आपके फर्स्ट ईयर से आप हो तो आपके एग्ज़ाम यहाँ से 8 अप्रैल से स्टार्ट है। जो भी आपके एग्ज़ाम है दोस्तों वो आपके यहाँ पर, जो भी दोस्तों आपके एग्ज़ाम हैं, जिस भी सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम है यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे आप फिजिक्स से हो, इंग्लिश से हो, अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, अगर आपकी कंपलसरी संस्कृत, हिंदी, यहाँ पर सभी प्रकार के आपके पेपर हैं सब्जेक्ट वाइज। तो आप देख रहे हैं कि लास्ट जो पेपर है यहाँ पर वो आपके एंड होंगे 11 मई को। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी फर्स्ट ईयर की है, और आप अगर आप सेकंड ईयर करना चाहते हो तो आपको बैक आ जाना है। अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो सेकंड ईयर के, तो यहाँ पर ये सेकंड ईयर की यहाँ पर डेट शीट है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है इसके ऊपर तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी और ऑटोमेटिक आपके फ़ोन में ये ओपन हो जाएगी। उस हिसाब से आप ये बी ए पार्ट सेकेंड के यहाँ पर आपके एग्ज़ाम हैं, जो भी आपके एग्ज़ाम है जिस भी सब्जेक्ट का, वो यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। जो भी आपके एग्ज़ाम हैं वो आप यहाँ देख लीजिए, डेट वाइज यहाँ पर डेट लिखी हुई है और यहाँ पर आपके एग्ज़ाम का जो भी आपका सब्जेक्ट होगा एग्ज़ाम का वो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद ऐसे ही अगर आप थर्ड ईयर के हो, अगर आप बीए थर्ड ईयर कर रहे हो कोरेस्पोंडेंस प्राइवेट, तो आपका यहाँ पर ये थर्ड ईयर का आपका रहा पार्ट। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे दोस्तों तो ये ऑटोमेटिक आपके फ़ोन में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ अगर आपका इंग्लिश का पेपर है तो आपको 8 तारीख का एग्ज़ाम है यहाँ पर। आप अगर दोस्तों आपके जोन जोन से भी आपके पेपर हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आपकी डेट शीट क्या है सभी यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप आराम से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ गई। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और दोस्तों आप कमेंट जरूर करें वीडियो के नीचे कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। जरूर आप कमेंट करें, अपना छोटा सा फीडबैक हमें दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।